Hello everyone, welcome to yet another exciting episode of our Gamuk Tapavan series. In the last episode, you have seen how we eventually completed this moderate to difficult trek route. But today's vlog is going to be very, very special to all of us. Probably the first time ever, we as a trekking team will be playing cricket at a staggering altitude of 14,500 feet at Tapavan Valley. So are you excited, folks? I am sure you are. So let's check how this next to impossible thing got unfolded. तो ये बैट आ गया, खेलने का प्लान है राइट, बॉल्स भी है ना, तो ग्रिप भी लग गया है। देवू का जो ख्वाहिश था, सुबह से बोल रहा था ग्रिप चाहिए, ग्रिप भी मिल गया। ग्रिप ये लोगों ने लगा दिया, हाँ, फ्रेजाइल का ग्रिप। तुमको बोलना चाहिए था और दो तीन रैपर यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है ना, कुछ तो हो गया। इसको एज अ ट्रैक पोल तुम यूज करना। तपोवन इज नोन फॉर इट्स प्लेन ग्रासलैंड, ग्रीन ग्रासलैंड। आज हम लोग का प्लान है वो माउंट शिवलिंग के नीचे वो ग्रासलैंड पे हम लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलेंगे। हम लोग साथ में बैट बॉल भी लेके आएंगे। सो लेट मी शो यू अ फैसिनेटिंग थिंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट। वी क्रेजी पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट एट तपोवन वैली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट। सी, हम लोगों का 6 लोग और हम लोगों का राणा भैया बॉल कर रहे हैं अभी। बोला रेडी, तुम फील्डिंग करने जाओ, चलो लेट्स गो। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग। तो अभी ये लोग बैट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बैट करेंगे। पिच थोड़ा गीला है, राइट, क्रैक भी है, फिफ्थ डे का पिच लग रहा है, बहुत क्रैक भी है। अनदर विकेट कैम व्यू। तुमको यहाँ पे छक्का मारने के लिए कोई नहीं बोला है। सो ये पीछे माउंट शिवलिंग, उसके नीचे हम लोग का ये क्रिकेट पिच। सो डियर आईसीसी, आर यू लिसनिंग टू दैट? आई विल टैग यू फॉर श्योर। इधर धोनी भी है। बॉलिंग। ओ मिसिंग लेग। दे। सो डियर आईसीसी, आर यू सीइंग दिस वीडियो? वी आर प्लेइंग क्रिकेट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट इन इंडिया एट तपोवन। See these enthusiast people all the way from Bengal and playing cricket at an altitude of 14,000 feet. That's something quite fascinating, I must say. Aur piche Mount Shivling dikh raha hai. It's around 4 p.m. in the evening and abhi bhi light bahut hai cricket khelne ke liye. Aa rahe hain hum log ka Shoaib Akhtar. Gaya. Thoda energy bacha ke ball kar. Nahi to bahut jaldi saans phool jayega. चल बॉल डाल। बॉलिंग। सोवास बॉल है, गुड लाइन। आप लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का व्यू देखो, और इधर मारेगा तो वो सीधा 10 तक बॉल चला जाएगा। व्हाइट बॉल फिर से डाल। बॉल नदी में गिरा, नदी में बॉल गिर गया। वो देख के लग रहा है वो कार्डिफ का ग्राउंड है, जहाँ पे कार्डिफ का ग्राउंड के साइड में टर्फ रिवर है, सीधा बॉल मारा, बॉल गया नदी में। चलो बॉलर बॉल लेने जाएगा, अभी बॉल लेने गया है पीछे, इसके बाद मेरा बैटिंग आएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, ठीक है, मैं अभी बैट करूंगा। तू ले बैटिंग तेरा बैटिंग है, चिंता मत कर, धोनी का बैटिंग। तो बैट्समैन ने इतना जोर से बॉल मारा, ये नदी छोटा नदी क्रॉस करके उधर बॉल चला गया। वो थोड़ा ऊपर से नीचे गिरा था, देख लीजिए, नीचे बाउंस करके गिरा था। मिल गया। चलो बैट्समैन ने बॉल मिल दिया, बॉल मिल गया। देखो बॉल का हालत, देख रहे हो क्या हो रहा है अभी। कैच सौरभ, बैट्समैन आउट हो, इतना जोर से बॉल मारा, बॉल बाहर चला गया। तय गली क्रिकेट में।
So many things I can't fix, feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. So this is the second instance की ball एकदम सीधा नदी cross करके उधर मार दिया. So this time this is out because he had hit it for two times. It's a bouncing pitch, not a bouncy pitch. It's a pitch is itself is bouncing. No, it's like tacky pitch. See देखो bounce हो रहा है, देखो फिर से देखो. Pitch bounce कर रहा है. Ball bounce नहीं करेगा. यहाँ पे पानी लग रहा है, पानी है लग रहा है. Already match. पानी है लग रहा है. राउंड द विकेट और पेस बोला मोहम्मद शमी टू बैट्समैन. बैट्समैन इज इनविजिबल, मास्क पहन के बैट करने आया है. जार्वो. ओ लवली शॉट. बॉल बस तीन बॉल है बोल्ड. मोहम्मद शमी सॉलिड डिफेंस, सॉलिड डिफेंस, बट इट वाज क्वाइट अ लूलू बॉल. उल्टा बॉल में डिफेंस भी फर्स्ट टाइम दिख रहा है. ये और ये रैंप शॉट एकदम पीछे पूरा 360 की शॉट. बैट्समैन बॉल लेने जाओ. जैसे होता है ना कि कोविड के टाइम पे पूरा स्टेडियम खाली है, बैट्समैन जा रहे हैं बॉल लेने के लिए, वैसा कुछ हाल है. अरे जाम कुदाई मारवा में जीता पड़े. वो देखिए बॉल वहां पे, वो देखिए बॉल. मैच को खत्म करो, अभी फोटो फोटो उठाते हैं चलो. सो इट इज वेरी थ्रिलिंग क्रिकेट मैच. सबको छह छह बॉल का मौका मिला, सबको मौका मिला बैट करने का, सब लोग आउट भी हुए, बहुत सारा शॉट भी मारा. बट ये जो एम्बियंस है यहाँ पे क्रिकेट खेलने का, मजा ही कुछ अलग है. ये पीछे पहाड़ और नीचे क्रिकेट पिच, ये एम्बियंस देख के आपको कौन सा क्रिकेट स्टेडियम याद आता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मेरे को जो याद आता है दैट इज क्वींसटाउन न्यूजीलैंड. तो मेरे को बोलना कौन सा स्टेडियम आपको दिमाग में याद है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. लेट मेक दिस इंटरेक्टिव. और ये नीरज चोपड़ा जा रहा है क्रिकेट छोड़ के, अभी जैवलिन पे उतर रहा है. चलो With that said, it's time to conclude today's vlog, which I believe was filled with full of joy and entertainment. I must admit that I enjoyed at fullest playing with this bunch of freak people. Also, don't hesitate to hit the like button, and if you are new to the channel, then do subscribe my channel The Bong Wayfarer to get notified about our upcoming non-stop travel diaries. Besides, you can ping your queries as well on my Instagram account as iamroy92. But before leaving, check out these beautiful snaps taken on our mobile devices. Till then, goodbye, take care, see you soon with yet another exciting episode.